एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ग्लैमरस लक्ष्मी एंड मैं हूं लक्ष्मी। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी मीशो की साड़ियां जो कि बहुत अच्छी हैं। एंड ये सारी ही साड़ियां अफोर्डेबल हैं, बहुत ही अच्छी हैं एंड सारी ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हैं। एंड साड़ियों पर मूव करूं उसके पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने टॉप पहन रखा है ये मिंत्रा से है। इसका भी वीडियो या फिर हो सकता है आ गया हो या फिर आने वाला हो। अगर आ गया होगा तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी, और अगर नहीं आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, एक लाइक करना तो बनता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है या फिर कोई भी साड़ी आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर करिएगा। अब चलिए साड़ी पर मूव करते हैं और आपको एक एक करके साड़ी दिखाती हूँ। सारी ही साड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, आई एम श्योर आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगी एंड अफोर्डेबल प्राइस में है, अंडर 1000 है, बहुत सही है। मैं दिखाती हूँ आपको फर्स्ट साड़ी। फर्स्ट साड़ी जो है ये नेट की साड़ी है एंड पिंक कलर की है, लाइट पिंक कलर है। वेट मैं दिखा रही हूँ आपको। ये साड़ी ना मैं बहुत टाइम से देख रही थी, बहुत टाइम से चल रही है इसमें की साड़ियाँ, लेकिन अभी तक मैंने लिया नहीं था। मैंने सोचा इस बार क्यों ना मैं ट्राई करूँ एंड आप लोग के साथ शेयर करूँ इसका रिव्यू। सो इसका ये पल्लू मिलता है और चारों ही साइड में ना क्या होता है, नेट की साड़ियाँ बहुत लाइट वेटेड होती हैं, इसके लिए चारों ही साइड में ये ऐसा फेब्रिक लगाया गया है जिससे थोड़ा सा इसे हैवी बनाया जा सके। ये इस तरीके का ऐसा बॉर्डर मिलता है फेब्रिक का। एंड पूरी ही साड़ी में अगर आप देखेंगे तो ये थ्रेड वर्क हो रखा है एंड ये बटरफ्लाई बना हुआ है। ये जो बटरफ्लाई आप देख रहे हैं ना, ये अलग से सेटिन का फेब्रिक लगाया गया है, ये अलग से फेब्रिक जोड़ा गया है एंड फेब्रिक के अंदर ग्रीन कलर का ऐसा एम्ब्रॉयडरी हो रखा है। ये पूरी ही साड़ी में सेम ऐसा ही एम्ब्रॉयडरी मिलता है एंड चारों ही साइड में ये बॉर्डर मिलता है। ये जहां से पल्लू हम लोग लेते हैं ना वहां तक ये बॉर्डर आता है एंड पूरी ही साड़ी में ये ऐसा ही सेम इस तरीके की पूरी साड़ी मिलती है ऐसी। एंड जितना हम लोग स्टार्टिंग में रैप करते हैं उतना प्लेन मिलता है। एंड गाइस 500 की साड़ी है, 512 के अकॉर्डिंग इतनी अच्छी साड़ी है। सुपर क्वालिटी यूज किया गया है फेब्रिक का, ये जो नेट का जो क्वालिटी यूज किया गया है बहुत अच्छा है। ये जो आप नेट देख रहे हैं ना इसका क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छा है। ये देखिए एकदम सॉफ्ट नेट यूज किया गया है ये एकदम, एंड फिनिशिंग बहुत अच्छा है। 500 के अकॉर्डिंग तो मुझे बहुत अच्छी लगी, टू गुड, बहुत सही है। अगर आप लेना चाहती हैं तो ले सकती हैं, मस्त है साड़ी। ये पूरे में ये बटरफ्लाई मिलता है ऐसा, जैसा चारों ही साइड में बॉर्डर लगाया गया है सेम वैसा ही ये ब्लाउज के लिए फेब्रिक मिलता है, पिंक कलर का डार्क, या फिर इसमें कोई गोल्डन कलर का ब्लाउज पेयर कर सकती हैं। डार्क ब्लू कलर का ब्लाउज है तो वो भी बहुत अच्छा जाएगा इसमें। अब चलिए मैं आपको सेकंड साड़ी दिखाती हूँ, इसका आप लोग ट्राई ऑन देख लीजिए एंड आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग बताएंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि मुझे नेक्स्ट वीडियो में क्या दिखाना है जो आप लोग को पसंद आए। जो नेक्स्ट साड़ी है ना ये कई कलर में साड़ी है, ये मैं दिखा रही हूँ, वेट ये पूरी ही साड़ी कई सारे कलर में है, आप सतरंगी कह सकते हैं। ऊपर में ऐसा बॉर्डर मिलता है, गोटा पट्टी वर्क मिलता है एंड उसके नीचे भी सिल्वर कलर का गोटा पट्टी लगा हुआ है। पूरी ही साड़ी में सेम ऐसा ही ये बॉर्डर मिलता है एंड पूरी ही साड़ी इस तरीके की है। अब मैं आपको साड़ी दिखाते हुए चलती हूँ, ये ऐसा आई थिंक ट्राई ऑन में देखने के बाद आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये पूरी ही साड़ी सेम ऐसी ही है, इस तरीके की ऐसी साड़ी है पूरी, ये ऐसी। जितना हम लोग रैप करते हैं स्टार्टिंग में उतना प्लेन मिलता है, ये इतना सा प्लेन दिया गया है, बाकी के पूरी ही साड़ी में ये बॉर्डर मिलता है एंड बैक साइड से ये पिंक कलर का फेब्रिक दिया गया है। ये बैक में ऐसा पिंक फेब्रिक लगा हुआ है एंड ये ब्लाउज के लिए पिंक कलर का फेब्रिक मिलता है, प्रॉपर है जितना फेब्रिक होना चाहिए एंड ऐसा गोटा पट्टी वर्क मिलता है इस तरीके का ब्लाउज। एंड ये जो फेब्रिक यूज किया गया है ये जॉर्जेट फेब्रिक यूज किया गया है, फेब्रिक बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड मजबूत है। सो ये था सेकंड साड़ी एंड इसका प्राइस 581 है, 581 की साड़ी है एंड प्राइस के अकॉर्डिंग साड़ी बहुत अच्छी है। ब्लाउज का भी पिंक कलर का फेब्रिक मिलता है, ये पिंक कलर का फेब्रिक एंड इसमें भी गोटा पट्टी वर्क दिया गया है ऐसा, 80 सेंटीमीटर ब्लाउज के लिए फैब्रिक दिया गया है। अब चलिए थर्ड साड़ी की तरफ मूव करते हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ एंड उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसमें क्या कमी है, इस तरीके की साड़ियों में क्या कमी आती है आगे चलकर, ये भी मैं आपको बताऊंगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में। ये देखिए, वेट मैं दिखा रही हूँ, पहले तो पूरी ही साड़ी में ये इस तरीके का बॉर्डर मिलता है ऐसा, बांधनी प्रिंट मिलता है और पूरे ही प्रिंट पे ये वर्क मिलता है ऐसा, और ये जो वर्क आप देख रहे हैं ना ये पूरा चिपकाया गया है। ये कलर देख रहे हैं रेड कलर है और बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहा है। ये पूरी ही साड़ी सेम ऐसी ही है,
सेम ऐसा बॉर्डर मिलता है एंड जहां तक हम लोग पल्लू लेते हैं उतने में पूरे में मिलता है वर्क एंड उसके बाद सिर्फ नीचे तक मिलता है घुटने तक, ये उसके बाद सिर्फ घुटने तक मिलता है। ये पूरी ही साड़ी बांधनी प्रिंट पे है एंड येलो कलर का ब्लाउज मिलता है और ब्लाउज में ये ऐसा फैब्रिक सॉरी ये ऐसा बॉर्डर मिलता है एंड पिंक कलर का सीफॉन फैब्रिक मिलता है। ब्लाउज के लिए भी सीफॉन फैब्रिक मिलता है एंड साड़ी का भी जो फैब्रिक है वो भी सीफॉन है। एंड इसके साथ जो कमी है वो ये है कि जब भी आप पहनने लगेंगे घर में ना कहीं भी अगर थोड़ा सा छू गया तो इसका झट से रोवा ऐसे धागा खींचने लगता है, पहला तो ये कमी है एंड सेकंड ये है कि जैसे आप पहनती रहेंगे तो बहुत जल्दी ये साड़ियां फटती भी हैं, ये बहुत जल्दी फटती हैं, ऐसे धागा अलग अलग हो जाएगा फैलने लगेगा इस तरीके से। मतलब कि अगर आप सीफॉन की साड़ी लेती हैं तो बहुत ज्यादा मजबूती नहीं रहती है इसमें। एंड ये साड़ी 829 की है, प्राइस के अकॉर्डिंग साड़ी का कलर वगैरह बहुत अच्छा है। अगर आपकी शादी है आप दुल्हन है तो ले सकती हैं, अगर आप बहुत महंगी साड़ी नहीं अफोर्ड कर सकती हैं तो आप इसे ट्राई कर सकती हैं, अंडर 1000 है एंड बहुत सही है। कथा पूजा में पहन लेंगी ना तो लगेगा नहीं कि ये अंडर 1000 है, बहुत अच्छी साड़ी है, मुझे बहुत सही लगी। आप लोग भी अगर ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। गाइज ये थी साड़ियां जो कि बांधनी प्रिंट पे थी, नेट पे थी एंड एक रंग बिरंगी साड़ी थी। आपको कौन सी ज्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा एंड अगर आप कोई पर्टिकुलर ड्रेस का रिव्यू देखना चाहती हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं जरूर रिव्यू शेयर करूंगी। एंड इस वीडियो का करती हूँ यही पेन, मिलती हूँ आपसे अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।